हाय दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम देश विदेश संबंधित बारे में मैं बताते रहता हूँ। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कनाडा और अमेरिका के बारे में। ऐसा कि बहुत बार मैंने सुना है और मैं सोचता हूँ किसी का धंधा ना बर्बाद करे तो अच्छा है। दोस्तों, जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो हमें कुछ ना कुछ हम करते हैं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कुवैत और अमेरिका के बारे में। अमेरिका और कुवैत के बारे में इसी नाम से लोग कितना पैसा ठग लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ पर कुछ ऐसे एजेंट हैं दैनिक जागरण में, जो आप देखे होंगे विज्ञापन के अंदर दिखाया जाता है कि दोस्तों आपको मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा, श्रीलंका भेज दूंगा, कनाडा भेज दूंगा, सिंगापुर भेज दूंगा, अमेरिका भेज दूंगा, इस काम में भेजूंगा, प्लम्बर के काम में भेजूंगा, हार्डवेयर के काम में भेजूंगा, मेसन के काम में भेजूंगा, पाइप फिटर के काम में भेजूंगा, इलेक्ट्रिशियन के काम में भेजूंगा। अमेरिका और अमेरिका के नाम सुनते ही जो दोस्तों आप मेरे बातों का गलत ना मानिएगा, जो कम ग्रेजुएट के मतलब कम पढ़े लिखे के रहते हैं वो इन सब बातों में बहक जाते हैं। या तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, आप मतलब फर्स्ट टाइम अगर स्कूल से निकले हैं, इस पूरी दुनिया को दस्तूर आप लोग को नहीं मालूम है। तो हालांकि बहुत ऐसे हैं कि जाकर स्टूडेंट भी फंस जाते हैं, अनपढ़ रहे चाहे स्टूडेंट रहे चाहे कैसे के कोई भी रहे, जब हम पैसा किसी को देते हैं तो दोस्तों बड़ा तकलीफ होता है अगर वो पैसा मेरा बर्बाद होता है। तो मैं दोस्तों आज बात करने वाला हूँ कनाडा और अमेरिका के नाम पर कुछ चंडीगढ़ के। यदि आप फ़ोन करते हैं या चाहे कोई फ़ोन करता है तो आप उस ऐड पर फ़ोन करिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं 100% टू 100% आपको जवाब देता हूँ। जो दैनिक जागरण आप लीजिएगा उसमें देखिएगा विज्ञापन लिखा रहेगा, उसी में कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कई देशों का नाम लिखा रहेगा। जो उन देशों का नाम लिखा रहेगा जो हाई फाई प्रोफाइल से उस कंट्री के बारे में जाना जाता है, उसी कंट्री के बारे में जानने के खातिर और मतलब बहुत ऐसे कारण है जो एजेंट छपवाए रहते हैं और आप उनसे कॉल करके पूछते हैं कि सर मुझे कनाडा जाना है, सिंगापुर जाना है, अमेरिका जाना है, इस काम में जाना है, उस काम में जाना है। तो दोस्तों वहाँ पर जब फ़ोन करेंगे आप तो वहाँ की कुछ लड़कियाँ फ़ोन उठाएंगे। हमने कुछ ऐसा चीज़ किया है जब दोस्तों मैं देखा हूँ कुछ लोग पैसा देकर फंस गए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक बनाएं कि मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स तक यदि मेरी वीडियो पहुँचे तो अपने भाइयों तक जरूर पहुँचा दे, ताकि कोई किसी झंझट और लफड़े में पड़े ना। तो दोस्तों हम बात कर ले फर्जी काम कैसे कराते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं या चाहे ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको हमने बता दिया कि आप सर सिंगापुर आपको हम भेज देंगे या चाहे अमेरिका भेज देंगे या चाहे कनाडा भेज देंगे, आप महीने की इनकम कमाएंगे सर 2 लाख रुपये महीने इंडिया करेंसी में, 3 लाख कमाएंगे इंडिया करेंसी में, 4 लाख कमाएंगे इंडिया की करेंसी में, टिकट देगी कंपनी, आपकी पैसा सैलरी से कटवाएंगे 2 लाख 2.5 लाख, केवल आपको 10,000 20,000 देना पड़ेगा, मैं आपको कनाडा भेज दूंगा। तो बताइए मेरे दोस्त, हमारे इंडिया में जो अगर डीएम होंगे, बात कर लिया जाए चाहे सीएम होंगे चाहे प्रधानमंत्री होंगे, उनकी तनख्वाह 4 लाख 5 लाख नहीं है, 3 लाख नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मजदूर आदमी को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, एक मजदूर आदमी को हम बता रहे हैं कि आपको हम 3 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, आप अपनी सैलरी से कटवाइएगा, कनाडा में जाकर आपको जिस काम में जाना चाहिए मैं उस काम में भेज दूंगा। तो दोस्तों हमें बड़ा यह बात सुनकर अच्छा लगता है, चलो भाई पैसा तो नहीं देना है, जाएंगे वहीं कटवा देंगे, फिर पैसा आए लगेगा मेरे पास तो फिर मेरा हो जाएगा। दोस्तों इस सब ढांचा में मत पड़िएगा, आपको सीधी मुद्दा में सही जवाब दे रहा हूं मैं।
आप क्या करेंगे, वो 10-20 हज़ार आपसे लेंगे तो क्या चीज़ के लेंगे मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें कहते हैं। आप कभी ऐड पर फ़ोन करके पता कर लीजिएगा मेरे दोस्त, मैं 100% आपको सही जवाब देने का कोशिश करता हूँ। आप काम करिए, पहले नंबर जब चंडीगढ़ जब फ़ोन करेंगे तो कुछ महिलाएं उठाएंगी फ़ोन आपका, आपको ऐसे बतियाएंगी जैसे कि सच में आप उनको, आपको लग जाएगा कि हमें भेज देंगी। आपसे कहेंगी कि सर आप सैलरी से अपना पैसा कटवाते रहिएगा, जिस काम में कहिए उस काम में भेज दें। हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है कनाडा का है, स्विट्ज़रलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, सिंगापुर के है। आप सर किस कंट्री में जाना चाहते हैं? खूबी अगर हमसे कोई पूछ दे भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो हमारा मन जहाँ कहेगा मैं कह दूंगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे फंसाएंगे आपको, आपको बस कहेंगे कि 18,000, 12,000, 10,000 बस आपको देना है, मेडिकल चार्ज देना है, हम आपके कागज़ बना रहे हैं, आइए चंडीगढ़ दोस्तों चले जाएंगे, आपका मेडिकल होगा, आपका ब्लड चेक होगा। जो ब्लड होता है दोस्तों, ब्लड चेक करने के बहाने कुछ ब्लड आपसे शरीर से ले लिया जाता है, चाहे पॉजिटिव डी हो, चाहे सी हो, चाहे ए हो, किसी ग्रुप डी का आपका ब्लड है तो आपका ब्लड भी ले लिया जाता है और आपका ब्लड भी भेज दिया जाता है। आपकी पूरी मतलब काम हो जाता है और 8,000 आप देकर बर्बाद होकर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, 2 महीने के बाद आपको जो एजेंट में मिलेंगे वो कहेंगे कि सर आप जाइए, मैं 2 महीने के बाद आपके लगे कॉल करूँगा, 2 महीने के बाद अपनी परमानेंट वीज़ा तैयार करिएगा। मैं अब परमानेंट वीज़ा आपको 2 महीने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब 2 महीने बीतेंगे तो आप फ़ोन करेंगे तो सर क्या होगा, सर बोलेंगे अरे दरअसल ऐसा होगा आपका, सबको तो मेडिकल मेडिकल सब सही है, वहाँ की कंपनी आपकी टिकट और वीज़ा बना रही है, बस बस सकते हैं मुझे, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं पैसा लगा देता हूँ वहाँ से आपसे ले लेता। अब 3 लाख की सवाल है, मुझे 3 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए और उसके बाद मैं आपको तुरंत भेज दे रहा हूँ 2 दिन में। अब दोस्तों मैं तो यह सोच कर गया था कि पैसा मैं वहाँ कटवाऊँगा, आइए कह रहे हैं कि अब कंपनी दोस्तों कंपनी में ज़्यादा लोग हो गए हैं, पैसा दे दे जा रहे हैं तो कंपनी नहीं दे रही है, मतलब एक चीज़ का 10 बहाना बनाना चालू कर देंगे। हमारे पास एक कमेंट ऐसा आया था, एक फ़ोन ऐसा आया था, एक कमेंट करके मेरा दोस्त मुझे बताया वो इसी झंझट में पड़ गया और फंस गया, जो मेरे बहुत करीब के कमेंटर था, हमने उस कमेंट को देखा और उसके बाद मैं सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को बना दिया जाए। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप भी किसी लफड़ा में ना पड़े, प्रूफ चाहिए तो दैनिक जागरण अमर उजाला उठाकर विज्ञापन पर फोन करिए, आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों देश विदेश संबंधित बारे में बताते रहता हूँ, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके थोड़ा सा प्यार जरूर दीजिए।